अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या C3 साइकिल भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसे केल्विन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या C3 साइकिल क्यों कहा जाता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको ये मेंशन कर दूँ कि केल्विन साइकिल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इस साइकिल को इंट्रोड्यूस करवाया था उस साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने इस साइकिल को इंट्रोड्यूस करवाया, इस वजह से इसका नाम केल्विन साइकिल रख दिया गया। दूसरी बात, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको लाइट की नीड नहीं होती अपने प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है लाइट के लिए, तो इसलिए इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। नंबर थर्ड जो हमारे पास आ जाता है C3 साइकिल। C3 साइकिल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो होता है 3 कार्बन का, यानी कि जो इसमें पहला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें 3 कार्बन मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको C3 साइकिल का नाम देते हैं। अब इसमें हमारे पास जो इस प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो होता है वो होता है कार्बो ऑक्सीलेशन, और दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है रिडक्शन, और तीसरा स्टेज जो होता है वो होता है रीजेनरेशन। अब कार्बो ऑक्सीलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन, इन तीनों स्टेप्स में होता क्या है? सबसे पहले स्टेप में ये होता है कार्बो ऑक्सीलेशन, कार्बन जो है यहाँ पर हमारे पास मौजूद है राइबुलोज बाय फॉस्फेट, फर्स्ट कंपाउंड जो हमारे पास प्लांट के अंदर मौजूद है, उसमें क्या होता है एक कार्बन आकर ऐड हो जाता है एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कार्बो ऑक्सीलेशन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमारे पास जो न्यू कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को जो है वो टूट जाता है 2 हिस्सों में, उसे हम नाम देते हैं रिडक्शन। अब रीजेनरेशन, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई चीज़ जनरेट हो रही है मगर वो दोबारा से जनरेट हो रही है, जैसे कि हमारे पास जब रिडक्शन के बाद 2 कंपाउंड बन जाते हैं तो 2 कंपाउंड में से एक कंपाउंड दोबारा से रीजेनरेट होकर और डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है। अब हम यहाँ आ जाते हैं साइकिल पर। साइकिल में हमारे पास यहाँ सबसे पहले जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसे हम नाम देते हैं राइबुलोज बाय 1,5-बाय-फॉस्फेट। राइबुलोज 1,5-बाय-फॉस्फेट को हम RUBP का भी नाम देते हैं। अब ये RUBP जो है जो प्लांट के अंदर मौजूद है, प्लांट के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है प्लांट में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस RUBP के साथ ऐड हो जाती है। ये RUBP जो कंपाउंड है इसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है। राइबुलोज बाय फॉस्फेट ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और एक और कार्बन जो है वो इसमें आकर अटैच हो जाती है और ये 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। ये कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? नंबर फर्स्ट स्टेज जो है हमारे पास कार्बो ऑक्सीलेशन, कार्बो ऑक्सीलेशन के प्रोसेस के थ्रू ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो हमारे पास बना है, ये 6 कार्बन कंपाउंड जो बना है इसको हम नाम देते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर हमने 3-फॉस्फोग्लिसरेट का नाम दिया। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारे पास बन रहा है इसे हम PGA का भी नाम देते हैं। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हुआ है 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। 3 इस पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होगा, इस वजह से इस पर 3 हम मेंशन कर रहे हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो कंपाउंड हमारे पास बना है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें अब क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। अब ये रिडक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, यानी कि कोई भी चीज़ अगर टूट रही है तो उसे तोड़ने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की नीड होगी,
अब वो एनर्जी ये जो कंपाउंड है कहाँ से हासिल करेगा, उसी प्लांट के एनवायरनमेंट से हासिल करेगा, उसी ऑर्गेनेल के एनवायरनमेंट से हासिल करेगा जो एनवायरनमेंट में एनर्जी मौजूद है। कहाँ से मौजूद है? जब दिन के वक्त प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा होता है, तो वहाँ पर एनर्जी जो है वो फॉर्म होती है एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में। तो ये एटीपी और एनएडीपीएच रात के वक्त, यानी कि जो दिन के सूरज की रोशनी के बगैर जो प्रोसेस हो रहा है, कैल्विन साइकिल जो हो रही है, उस वक्त ये एनर्जी कंज्यूम होती है। अब ये एटीपी एनएडीपी जो है, एनएडीपीएच और एटीपी, ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और एनएडीपी में। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इसके साथ आके अटैच हो जाता है, और ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है ये रिड्यूस हो जाता है दो कंपाउंड्स में, दो अलग अलग जो है फॉस्फोग्लिसरेट पीजीए में, जिसे हम नाम देते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। अब ये ट्रायोस फॉस्फेट जो हमारे पास बना है, ये ट्रायोस फॉस्फेट आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है। इस ट्रायोस फॉस्फेट के जो दो मॉलिक्यूल बनते हैं, उनमें से एक मॉलिक्यूल जो होता है वो शुगर यानी कि सक्रोज स्टार्च वगैरह को फॉर्म करने में जो है वो आगे चला जाता है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो रीजेनरेट हो जाता है। कैसे रीजेनरेट होता है? यहाँ पर फिर एटीपी का एक जो एनर्जी पैकेट है उसे यूज़ करते हुए रीजेनरेट होता है, और रीजेनरेट होकर अपने थ्री कार्बन कंपाउंड में टू कार्बन कंपाउंड और अटैच करके राइबुलोज बायफॉस्फेट यानी कि RUBP को दोबारा से फॉर्म कर लेता है। इसीलिए इसे हम एक साइकिल का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कैल्विन साइकिल जो है वो फॉर्म हो रही है। अंडरस्टैंड, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई हैं? अब एक दफ़ा हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। कैल्विन साइकिल है, कैल्विन साइकिल जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है जो कि रात के वक्त प्लांट में हो रही होती है। अब ये कैल्विन साइकिल जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, इसे हम C3 साइकिल का भी नाम देते हैं। ये C3 साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड फॉर्म होता है वो तीन कार्बन का होता है, इसलिए इसे C3 साइकिल का नाम देते हैं। अब कैल्विन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस साइकिल को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसे कैल्विन साइकिल कहा जाता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट के बगैर परफॉर्म हो रहा होता है प्रोसेस। इसमें तीन स्टेजेस होते हैं, कार्बोऑक्सीलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। कार्बोऑक्सीलेशन जो इसमें प्रोसेस होता है, उसमें कार्बन आके अटैच होता है RUBP के साथ और थ्री फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म कर लेता है। अब ये थ्री फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है, इसमें रिडक्शन का प्रोसेस होता है यानी कि दूसरा स्टेज होता है, और ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म हो जाता है। अब ट्रायोस फॉस्फेट के जो दो हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं, दो जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू, उसमें से एक कंपाउंड सक्रोज या स्टार्च फूड प्रिपरेशन में चला जाता है, और दूसरा कंपाउंड जो है वो रीजेनरेट होकर RUBP को फॉर्म करता है। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी मौजूद है, RUBP के जो RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है। अब यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल इसलिए है मौजूद क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर वाटर मौजूद होगा। अब ये वाटर यहाँ पर इसीलिए मौजूद है, उस इन्वायरमेंट में वाटर जो है वो प्लांट के अंदर फॉर्म हो रहा है, जाहिर बात है एब्जॉर्ब कर रही है रूट्स, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर इसकी जो प्लांट है वो यूज़ करता है वाटर को अपने आप को ग्रो करवाने के लिए, इसलिए यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं? कैल्विन साइकिल, ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था, और ये कैल्विन साइकिल जो हमारी परफॉर्म हो रही है, ये हमारी साइकिल रात के वक्त में हो रही है, और ये कौन से ऑर्गेनेल में होती है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में ये कैल्विन साइकिल जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था जो कंप्लीट हुआ। आप लोग को अगर ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।